तेरहवा अध्याय राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ये बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने ये सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ आरंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे, तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने उसे शाप दे दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि के दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। ये कहकर आत्मविधा में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा कि ऐसा ही। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूट ही जाएगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना ही नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें, पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का वृहद्रथ, वृहद्रथ का महावीर, महावीर का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड, देवमीड से विश्रुति और विश्रुति से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हुआ हर्स्वरोमा। इसी हर्स्वरोमा के पुत्र महाराज शिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे, तब उनके सिर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी उत्पन्न हुई। इसी से उनका नाम शिरध्वज पड़ा। शिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज, कृतध्वज के केशध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, केशध्वज
आत्मविधा में बड़ा प्रवीण था। खांडिक था कर्म कांड का ब्रह्मज्ञ, वो केशध्वज से भयभीत होकर भाग निकला। केशध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न, शतधुम्न से शुचि, शुचि से सनद्वाज, सनद्वाज से उर्ध्वकेतु, उर्ध्वकेतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधि का जन्म हुआ। क्षेमधि से समरथ, समरथ से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत, वस्वनंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाए। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याग्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी।